नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को TGT और PGT का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे TGT से संबंधित विज्ञापन और जो भी उसको लेकर आपके प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का समाधान। देखिए, ये विज्ञप्ति आयोग द्वारा जारी की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के साथ सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार वर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष चयन बोर्ड की वेबसाइट पर 29/10/2020 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और अन्य किसी माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 है। अब जानते हैं इसकी रिक्तियों के बारे में और अन्य जो सूचनाएं हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 29 अक्टूबर है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी जो तिथि है वो 29 अक्टूबर है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। अब यहाँ मैं एक बात जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये विज्ञापन, ये जो आपको फॉर्म भरने का मौका है ये एक महीने तक है। तो जो भी अर्हताएं दी गई है वो अर्हताएं आपको उस दिन तक पूरी कर लेनी होगी जिस डेट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। यदि आप 25 नवंबर को अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट करने के समय आपके पास सभी आवश्यक अर्हताएं अनिवार्य हैं, अपीयरिंग को मान्यता प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे थे। अब चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं जल्दी से। विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यहाँ आयोग ने थोड़ी सी चालाकी की है। इन्होंने तदर्थ शिक्षकों को तो वेटेज दे दिया है भर्तियों में, लेकिन उनकी रिक्तियां नहीं जोड़ी हैं। यदि उनकी रिक्तियां जोड़ देते तो बहुत अच्छा होता, या फिर उनके लिए अलग से भर्ती निकाल दी जाती। उसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आप एक से अधिक विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो आवेदन आपको अलग अलग करना होगा, मतलब एक आवेदन एक विषय के लिए स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और ये उन्होंने दिया है कि जो आपकी 28 फरवरी 2019 की संशोधित माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसके अनुसार जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद की जो प्रक्रिया है वो मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आपको ये याद रखना है, TGT में इंटरव्यू और वेटेज नहीं है, खत्म कर दिया गया है। मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर TGT यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करते हैं, इस सूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा, है ना। चयन के किसी भी चरण अथवा इसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दी गई किसी भी सूचना के असत्य या गलत पाए जाने पर पद की पात्रता के मानदंडों के विपरीत पाए जाने के दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS की अभ्यर्थियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है इन भर्तियों पर, लेकिन अभी उसकी रिक्तियां अलग से इन्होंने दिखाई नहीं है कि उन्होंने
किस से जो आपका जनरल वाले हैं, अनारक्षित पद है वहां से वो लेंगे या आरक्षित पदों से लेंगे, इस तरह का कुछ इसमें मुझे नहीं देखने को मिला है। लेकिन 10% क्षैतिज आरक्षण है, जिनकी भी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो इसमें डाल सकते हैं फॉर्म। अभी तक देखा गया है कि इसकी मेरिट अनारक्षित पदों की मेरिट की अपेक्षाकृत कम ही गई है। आप लोग अपने स्तर से पता करके इसको भर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये दिया है तदर्थ शिक्षकों के लिए उनको वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने जो भी दिया है इस अपील पे या जो भी उनका था कानून, इस कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन में उन्हें वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों की जितनी भी सेवा की होगी, उन्होंने जितना भी उनका सर्विस पीरियड होगा, सर्विस पीरियड में 1 वर्ष के लिए उन्हें 1.75 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और उनकी गणना किस आधार पे होगी, जिस दिन से उनको ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया गया होगा, जिस मतलब जिस समय से उनकी सैलरी लगी होगी तभी से उनको ये जो वेटेज है वो प्रदान किया जाएगा। उसके पूर्व भी अगर उन्होंने सेवाएं दी हैं तो उसका वेटेज उन्हें प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, आपको मात्र ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन एक बार आपने कर दिया तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग अर्थात ऋणात्मक अंक नहीं है, और ये तो आपको पता ही है कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप नहीं ले जा सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कठिनाई की इसके बाद भी कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग ने ये नंबर जारी किए हैं जिन पे नाम आप बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं किस विषय की कितनी सीट है। शुल्क की बात की जाए तो अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी को का आवेदन शुल्क है 700 रुपए, ऑनलाइन प्रक्रिया में सभी को 50 रुपए देने हैं, वो आप देख लीजिएगा। अनारक्षित या सामान्य वर्ग के 700 रुपए है, EWS के 400 रुपए है, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग भरेंगे अपना, अन्य पिछड़ा वर्ग के 700 रुपए है, अनुसूचित जाति के 400 रुपए है और अनुसूचित जनजाति को 200 रुपए करने हैं। ठीक है, और जो भी विकलांग अभ्यर्थी होंगे उनका उनकी मूल श्रेणी से निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना है। अर्थात अगर विकलांग अनारक्षित श्रेणी के हैं तो उनको 700 का आधा पे करना होगा, यानी कि 350 रुपए। अगर वो EWS की वर्ग में आएंगे तो उन्हें 200 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसी तरह से जिस भी श्रेणी में वो आएंगे उसका आधा उन्हें भुगतान करना होगा। ठीक है, आप लोग फोटो का विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी फोटो ठीक नहीं होगी तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। फोटो का आकार 35 मिलीमीटर होना चाहिए, फोटो का के लगभग 70% भाग में आपका चेहरा दिखना चाहिए, बहुत चेहरा छोटा ना हो, पूरी छवि स्पष्ट हो। यदि आपका आप चश्मा पहनते हैं तो रंगीन चश्मा पहनकर आप फोटो नहीं खिंचाएंगे। कान के दोनों किनारे साफ दिखाई देने चाहिए, अभिव्यक्ति तटस्थ हो यानी कि आंख खुली हो, मुंह बंद हो और आपकी कैमरे पे नजर हो। फोटो पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे कलर की ही होनी चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने जो भी सूचना है उसकी सत्यता की घोषणा करते हुए फॉर्म सबमिट कर देना है। और आयु सीमा में इन्होंने मैक्सिमम एज नहीं दी है, 30 जुलाई 2020 को मिनिमम दी है। न्यूनतम जो आपकी आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान दिया है उन्होंने, देख लीजिएगा, ग्रेड पे 4600 लगेगी इसमें। ठीक है, 4600 ग्रेड पे की है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित अधियाचनों के अनुसार। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांग जनों के लिए 3%, 3%,
और पीएच और एचएच के लिए प्रत्येक के लिए 1-1% है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% आरक्षण है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है और ये आरक्षण जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हें ही मिलेगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आर्यथा तिथि मानी जाएगी जो जब भी आप आवेदन करते हैं। शैक्षिक योग्यताएं उन्होंने अलग से सारणी बना के दे दी है। तदर्थ शिक्षकों का मैंने बता दिया है, 1 वर्ष की सेवा के लिए उन्हें 1.75% अंक दिए जाएंगे और ये अंक अधिकतम 35 हो सकते हैं, ठीक है। जो सामान्य लोग होंगे उनका जो पूर्णांक होगा वो 500 होगा क्योंकि उन्हें 1 प्रश्न में 4 अंक दिए जाएंगे और तदर्थ शिक्षकों को का जो 1 अंक होगा वो उनका तदर्थ शिक्षकों का जो पूर्णांक होगा वो 465 रुपए हो 65 अंक होगा 465 अंक, ठीक है, क्योंकि उनको 35 अंक का अधिभार किया जाएगा जिसका जितना होगा, यानी कि सभी तदर्थ शिक्षकों को 465 अंक पूर्णांक में परीक्षा देनी। ये तो आपको पता ही है, जिसकी 1 से अधिक पति या पत्नी जीवित हो वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी बालक व बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में 1 वर्ग उन्हें यथास्थान उल्लेखित करना होगा। आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटो जरूर लगाना है और एक ही आवेदन एक विषय के लिए करना है, 1 से अधिक नहीं कर सकते हैं और ये सब तो आप नकल नहीं कर सकते हो, ये जनरल है आपको इन्फॉर्मेशन, ये प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी वीडियो के अंत में तो आप देख लीजिएगा। ये है आपकी रिक्तियां, हिंदी में 1742 टोटल रिक्तियां हैं जिसमें 1054 रिक्तियां हैं अनारक्षित पद के लिए है, 405 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 276 एसटी कैटेगरी के लिए और 7 एससी कैटेगरी के लिए और 7 एसटी कैटेगरी। इसी तरह से गणित के 1050 पद जनरल के लिए हैं, 549 पद आपकी ओबीसी वर्ग के लिए, 219 पद हैं एससी वर्ग के लिए और 4 एसटी वर्ग के लिए हैं। सबसे अधिक रिक्तियों की बात की जाए तो सबसे अधिक रिक्तियां गणित में है, हिंदी में है और विज्ञान में है। टोटल 11,451 पदों के लिए ये भर्ती निकली है, प्रशिक्षित स्नातक पीजी की भर्ती, ठीक है। आपको अन्य जो भी बाकी देख लीजिए, संगीत वादन में खाली 3 पद हैं जनरल के लिए, टोटल पदों की संख्या 6 है। इस तरह से ये आपको मैं बता दूं, ये बालक वर्ग के रिक्तियां हैं और यहाँ पे ये दी गई हैं बालिका वर्ग की, जो लोग बालिका वर्ग में डालना चाहें। बालिका वर्ग में हिंदी की टोटल जो कुल रिक्तियां हैं वो 214 हैं, गणित की 167 हैं, गृह विज्ञान की 160 हैं, उर्दू के लिए 12 हैं, इंग्लिश के लिए 196 हैं, कला के लिए 103 हैं, सामाजिक विषय के लिए 186 हैं और विज्ञान के लिए 202 है। विज्ञान के लिए काफी भर्तियां हैं जबकि कृषि के लिए मात्र 1 ही, वाणिज्य के लिए 8 है, शारीरिक शिक्षा के लिए 48 है। इस तरह से जो आपका बालिका वर्ग है उसमें 1462, ठीक है, और ये आपकी आर्यताएं दी हैं। हिंदी के लिए बीए और बीए में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है। यदि आपके पास बीए में संस्कृत नहीं है तो आपके पास इंटर में संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है, या तो आपके पास बीए में संस्कृत हो या फिर इंटर में संस्कृत हो। उसके अलावा बीएड अनिवार्य है टीजीटी के लिए और बीएड एमएड पीएचडी की जिस तरह से अधिभार दिया जाता था, मतलब वेटेज दिया जाता था, वो दिया जाएगा। गणित के लिए आपको बीएससी या बीए होना चाहिए गणित से और गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र से
स्नातक होना चाहिए, ठीक है, या फिर गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी डिग्री या लेडी इरविन कॉलेज हिंदी का डिप्लोमा भी मान्य है। उर्दू में या तो आप बीए उर्दू से हो या डिग्री या डिप्लोमा समकक्ष होगा माना जाएगा, और सभी के लिए बीएड अनिवार्य है। अधिमानी जो वरीयताएं हैं वो सबको लगभग एक सी मिल दी जाएंगी। अंग्रेजी के लिए आपको अंग्रेजी में स्नातक होना आवश्यक है और डिग्री कॉलेज के प्री वर्षीय स्नातक कोर्स में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, यानी लास्ट ईयर इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। संस्कृत में आपके पास शास्त्री या आचार्य की डिग्री हो या फिर स्नातक आपका बीएससी से। वाणिज्य में प्रशिक्षित बीकॉम, बीटी कृषि की बात की जाए तो बीएससी कृषि प्रशिक्षित, और उसके अलावा और भी जो ट्रेनिंग्स हैं एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके अलावा यदि आपको विज्ञापन में किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पीजीटी की मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देती हूँ। फिर से बताना चाहूंगी कि टीजीटी भर्ती में टीजीटी में किसी भी तरह का कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होगा। पूरी परीक्षा का जो दारोमदार होगा वो आपकी लिखित परीक्षा पर ही निर्भर होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करेंगे तो ही, हालांकि रिक्तियां काफी हैं लेकिन अच्छे से अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। पीजीटी के लिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, साथ बने रहिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिसको भी जो समस्या हो उसकी समस्या का समाधान हो सके। नमस्कार।